आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस या फिर जो भी कह लीजिए कि अभी जो ज़्यादातर जो लोग सर्च कर रहे हैं या फिर कह लीजिए कि मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है एक ही न्यूज़ है, वो बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम कब होगा। ये सबसे ज़्यादा मतलब कह लीजिए पर्सनली अगर हम अपने तौर पर देखें और हमारे अपने यूट्यूब चैनल के तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा कमेंट, सबसे ज़्यादा फोन, सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो है इसी सब चीज़ को लेकर के लगातार आते रहा। लेकिन हम आप इस वीडियो में हम आपको बहुत क्लियर कट कर देना चाहेंगे कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो टीचर्स लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ अभी एग्जाम को लेकर के कुछ ना कुछ आपको अपडेट देते रहे। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग टीचर लोग ने मतलब खूब सारा अपडेट लोग देते रहते हैं। देखिए टीचर दे ना दे, ये यूट्यूबर यूट्यूब पर जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग न्यूज़ का अपडेट देते हैं, सबसे पहले उसकी बात छोड़िए कि कौन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं जिसके लिए आप बेल्ट्रॉन लिखिएगा, इसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि हम इस लिंक पर हम क्लिक किए और बिहार बेल्ट्रॉन का वेबसाइट फाइनली ओपन हो गया। आप इस वेबसाइट में आप यहाँ पर से ऊपर में जा करके देखिए, यहाँ पर से नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप नंबर पे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इतना कीजिए कि आप इसके एड्रेस में चले जाइए, यहाँ पर से अबाउट अस में जाइए और आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। और एड्रेस कहाँ है वो आपको हम क्लियर कट बता देते हैं कि आपको जू के पास है। ठीक है ना, मतलब गोल मतलब क्या बोलते हैं, जू के पास है। ठीक है, तो आप वहाँ पर से देख लीजिए ये सभी क्या है कि नंबर है, आप वहाँ पर से इसका बात कर लीजिए। ठीक है ना, पहली बात आपको हम यहाँ पर से कर देते हैं कि ईमेल वगैरह भी सारा चीज़ दिया हुआ, आपको कॉन्टैक्ट करने के कई सारे ऑप्शन हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेल्ट्रॉन का कुछ अपडेट वेबसाइट पे है ही नहीं। आप इसके न्यूज़ अपडेट में देखेंगे तो 20 फरवरी 2024 के बाद अभी तक कोई भी अपडेट, उससे पहले 13 फरवरी को यानी कि स्टेनोग्राफर का लिंक दिया हुआ है और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 20 फरवरी को डायरेक्ट आपको मतलब कह सकते हैं कि डीओ का आपको लिंक दिया हुआ है जो कि भरने का। इधर भी देखेंगे तो कहीं पर कोई भी इसमें अभी फिलहाल लिंक नहीं देखने को मिल रहा। एक बात आपको हम क्लियर कट कर देना चाहेंगे कि अभी बेल्ट्रॉन का ऑफिशियली पे कहीं कुछ अपडेट नहीं। और रहा बात यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप यहाँ पर से यूट्यूब पर चले जाइए और यूट्यूब पर जा करके अगर बस आप सिर्फ को ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि बेल्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पर से हम इतना लिख देते हैं कि बेल्ट्रॉन एग्जाम कब होगा। देखिए अपने आप, ठीक है ना, बेल्ट्रॉन का एग्जाम देखिए अपने आप यहां पर से मतलब सारा चीज आने लगा। अब ये सब बताइए कि आप बेल्ट्रॉन टाइपिंग एक्यूरेसी कितना है, ये सब बिना मतलब के कुछ से कुछ। अब देखिए यहां पर से ताजा खबर, कुछ ताजा खबर नहीं है, हकीकत तो बात यही है कि कुछ ताजा खबर नहीं है। ठीक है ना, हम एक महीना पहले बेल्ट्रॉन पे इस पर वीडियो बनाए थे कि एग्जाम कब होगा, जिसमें कि हम बोले थे कि अगर अगस्त तक उम्मीद है, जैसा कि वो ऑफिस में बोले कि अगर अगस्त तक में होना है तो होगा, अदरवाइज फिर अभी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर से इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें, और अगर आप बेल्ट्रॉन एडमिट कार्ड अगर आप गलती से सर्च कर दिए हैं, यहाँ पर से एडमिट कार्ड अगर आप लिखिएगा 2024, अपने आप देखिएगा कि ढेर सारा एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर से क्या लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड 2024 मतलब ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे डाउनलोड करिए। ठीक है, इस पर यहाँ पर से लिंक एक्टिवेट है। ठीक है, आप यहाँ पर से जाकर डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर से चीज का आपको मिल जाएगा अलग अलग प्रकार के मतलब, जिसमें कि अभी कहीं पर एक्चुअल बात यही है कि कहीं कोई न्यूज नहीं है, मतलब हकीकत तो यही कि कहीं कोई न्यूज नहीं है कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम होने वाला है। आपको हम सच्चाई बताते हैं कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम को लेकर के कि अभी अगले 2 महीना तक कुछ अपडेट नहीं आने वाला, मतलब अगर मतलब अभी अगस्त सितंबर तो एकदम स्कैप करने वाला है, मतलब कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन के साथ साथ अपना जो सिलेबस है या फिर जो भी और भी चीज का प्रिपरेशन है उसका भी जारी रखिए, साथ में इसका भी जारी रखिए। इस पर थोड़ा सा जैसे अगर 6-7 घंटा 5 घंटा समय देते थे तो उसके बजाय 2-3 घंटा दीजिए। ठीक है, 2 घंटा दीजिए, लेकिन और सभी सिलेबस को भी मजबूत कीजिए, उसको कमजोर मत पड़ने दीजिए। इसका मतलब सोचिए ना, फरवरी से लेकर के अभी तक आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे और अच्छा ही हो गया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं खराब है। ठीक है, तो और भी सब चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और जब एग्ज़ाम का डेट आए, इतना बात एक जान लीजिए एक बात यहाँ पर से आप अच्छे तरीके से, जब भी एग्जाम का डेट आएगा ना तो आप इतना बात श्योर रखिएगा, 100% श्योर रखिएगा कि उससे पहले 20 दिन पहले नोटिस जरूर देगा, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देगा। ठीक है ना, तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो क्लासेस हमारा रेगुलर करते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी तरह के मतलब ये जो न्यूज़ होते हैं ना यहाँ पर से, ठीक है,
कि बेल्ट्रॉन न्यूज अगर आप यहाँ पर से कुछ भी लिख लीजिए ना, ठीक है ना, आप यहाँ पर से कुछ भी लिख लीजिए जो भी चीजें, तो आपको एडमिट कार्ड तो मतलब ला ही देगा। देखिए धोखेबाज, पता नहीं क्या धोखेबाज, सब फैल हो जाएगा, पता नहीं क्यों जो सब फैल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से देखिए बहुत सारा चीजें जो है बेल्ट्रॉन को लेकर के आपको न्यूज देखने को मिल जाएगा, समझ गए। तो आपको इन सभी न्यूज़ पे नहीं जाना है, ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर से खुद से उन नंबर लिख रखा, तो मतलब बेल्ट्रॉन ऑफिस नंबर लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, वहाँ पर आदमी दो तीन बैठा रखे हैं, वहाँ पर से आप बात कीजिए, उनसे आप न्यूज़ लीजिए, ठीक है ना। या फिर कोई अच्छे जो कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं ना एक्चुअल में, वो आपको सही बताएंगे। अभी हमसे डेली पूछते हैं स्टूडेंट, हम बोलते हैं सच हकीकत बात तो यही है कि अभी कोई न्यूज़ नहीं है, अगले साल चुनाव होने वाला है, और हम सभी स्टूडेंट सभी टीचर अच्छे जानते हैं कि जब एग्जाम होता है ना, थोड़ा सा उधर की ओर झुकाव उसके मतलब चुनाव की तरफ होता है, ठीक है ना। तो आप अभी एक्सपेक्ट मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप पिछले वैकेंसी को आप देखिए, 2019 में जो हुआ था उसमें भी जाकर के नवंबर दिसंबर में मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम हुआ था, तो उम्मीद रखिए कि उसी समय होगा। इतना ज्यादा मतलब कह लीजिए कि अपने आप को प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है, अस्थिर से अपना प्रिपरेशन जो है उसको जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए, और सभी चीज़ का भी रखिए। अगर किसी भी तरह का अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट वेबसाइट से देंगे, ठीक है ना। वेबसाइट का अपडेट 100% सत्य होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि अगले महीने होने वाला है, तो ठीक है, अपने तैयारी को थोड़ा सा संयम अच्छे से बना के रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, मतलब ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को जरूर श्योर रखिए कि आप इसके अलावा भी और भी जो सिलेबस है उसको एकदम ना छोड़ दीजिए, ठीक है। एकदम इस तरह का करना बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस तरह का भी कोई अपडेट है नहीं फिलहाल, और यहाँ पर से देख लीजिए सारा चीज़ है वेबसाइट पे दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पर से खुद से जा करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी तरह का कुछ डाउट है तो उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो कुछ अपडेट हमें तो नहीं लग रहा है, और बाकी कोई अगर ऐसा आपको बताता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।